हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रतिभा, आपकी गार्डनर दोस्त। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ मेरे कोचिया के प्लांट्स हैं। ये देखिए कैसे इनकी हालत हो गई है। अगर आप सबके भी प्लांट हो रहे हैं ऐसे तो आप सब भी हो जाइए सावधान, नहीं तो धीरे धीरे आप सबके प्लांट कब ख़त्म हो जाएंगे आप सबके पास से पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है प्लांट की क्या बताएं आप सबको। इस समय आप सब भी अपने प्लांट्स की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें और कैसे इसको सेव करें फ्रेंड्स, वही आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स, और फुल वॉच करिए फ्रेंड्स। तब आप सबको पता चलेगा कि आखिर ये है क्या और कैसा इसको सेव करें। कैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ कोचिया के प्लांट्स कैसे हो गए हैं। अगर आप सबके भी प्लांट हो रहे हैं ऐसे तो हो जाइए सावधान, नहीं तो आप सबके भी प्लांट ख़राब हो जाएंगे और आप सबके पास से गायब हो जाएंगे प्लांट्स, आपको पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स। ये देखिए मेरे कोचिया के प्लांट्स कैसे हो गए हैं सारे, कितने हेल्दी थे कुछ दिन पहले और देखिए कैसे हो गए हैं। एक हफ्ते से बारिश हो रही थी फ्रेंड्स, तो उसी में मैं इसको देख नहीं पाई और देखते ही देखते मेरे प्लांट्स देखिए कैसे हो गए हैं। आप सबको मैं अभी दिखाती हूँ इसका रीज़न क्या है कि क्यों ऐसे मेरे ये प्लांट हो गए हैं, क्या मैंने गलती की कि मेरे प्लांट्स ऐसे हो गए हैं। और ये देखिए बारिश की वजह से फ्रेंड्स कैसे हो गए हैं मेरे प्लांट्स, और आप सबको मैं मिलाती हूँ जो इसका रीज़न है फ्रेंड्स। इसके रीज़न देखेंगे तो आप सब भी हो जाइए सावधान, नहीं तो आप सबके भी प्लांट्स हो जाएंगे ऐसे ख़राब। जो मैंने गलती की, मैं नहीं चाहती कि आप सब भी ये गलती करिए फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर, देखिए आप सबको मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। मुझे डर लग रहा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं थोड़ा डर रही हूँ कैसे दिखाऊँ आप सबको। और ये देखिए इसको तो पूरा चट कर गया है। बारिश में आप भी अपने प्लांट्स की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें फ्रेंड्स, उसको रोज़ाना चेक करते रहिए कि कहीं आप सबके भी प्लांट्स में ये अटैक तो नहीं हो गया है, नहीं तो आप सबके प्लांट देखते ही देखते बारिश में कब ख़त्म हो जाएंगे आप सबको पता भी नहीं चलेगा। बारिश क्यों हो रही है उसी वजह से, अगर आप सब अपने प्लांट्स के पास नहीं जाएंगे तो आप सबके प्लांट्स आप सबके हाथों से गायब हो जाएंगे। ये देख सकते हैं मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स इसका रीज़न। ये देखिए ये सब कैटरपिलर इल्ली जो होती है फ्रेंड्स, वही सारा अटैक कर दी है मेरे प्लांट्स में। एक हफ्ते से रोज़ाना बारिश हो रही थी फ्रेंड्स, ये देखिए कैसे भाग रहा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है फ्रेंड्स। मैं आज इसको देखी तब मैं बैठी थी फ्रेंड्स इसको, इसकी मिट्टी में घास निकालने के लिए और इसकी गुड़ाई करने के लिए, और मैं सोच रही थी कि शायद मेरे बारिश से प्लांट शायद ख़राब हो रहे हैं, मैंने नोटिस ही नहीं किया। लेकिन आज जब मैं इसको ध्यान से देखा फ्रेंड्स, तो इस पर से देखिए इतनी सारी इल्लियाँ हैं इस पर, कैटरपिलर ने अपना घर बना लिया है इस पर फ्रेंड्स। और देखते ही देखते ये मेरे सारे प्लांट को खा गया है। इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ये बड़े बड़े भी हैं। मैं बारिश हो रही थी फ्रेंड्स तो रोज़ाना हो रही थी तो मैं इसको देख नहीं पाई, और मैं सोची शायद बारिश की वजह से मेरे प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं, ज़्यादा बारिश हो रही है। लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि ये अटैक भी हो जाएगा, इसलिए मैं आज बैठी थी इसकी निराई गुड़ाई करने के लिए, तो सोचा कि शायद बारिश की वजह से हो रहे हैं, इसकी घास निकाल दूँ और गुड़ाई कर दूँ। तो देखा मैंने तो सारा इसने अपना घर बना लिया है, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें इसने बीट कर दिया है फ्रेंड्स, गंदा कर दिया है इसको कि क्या बताएं। मैंने ध्यान ही नहीं दिया इसको,
और ये देखिए मैं इसको दिखाती हूँ आप सबको, ये देखिए कैसे निकालती हूँ मैं। अगर आप सबके भी प्लांट में ऐसे हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप सब भी इसे अपने प्लांट्स में से फटाफट निकाल दीजिए। देखिए कैसे भाग रहा है, ये देख सकते हैं कैसे भाग रहा है, मुझे डर भी लग रही है फ्रेंड्स। लेकिन इसको अगर आप सबके भी प्लांट में से पड़ गए हैं, हो गए हैं फ्रेंड्स, तो जल्दी से इसको निकाल दीजिए अपने प्लांट से, नहीं तो ये सारे प्लांट्स आपके ख़राब कर देंगे। और सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, इसको निकाल करके आप मार दीजिए, नहीं तो इतना सारा है कि इसको कितना कहाँ फेंकेंगे। अभी तो आप सबको दो ही दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन इतना ज़्यादा क्वांटिटी में है। देखो इसको मैं मार रही हूँ, ये भाग बहुत तेज़ी से रहा था, निकाल ही रही थी कि ये भाग रहा था, तो अब कितना निकाल करके फेंके फ्रेंड्स, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मार ही देती हूँ। और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इसके हैं, और ये देखिए कैसे कितने ज़्यादा गिर रहे हैं, ये देख सकते हैं। इसको लकड़ी की सहायता से निकाले, मैं तो इसको ऐसे ही हाथों से बस झटका दे रही हूँ, हिला रही हूँ फ्रेंड्स, तो ये सारे देखिए कैसे नीचे गिर रहे हैं, देख सकते हैं आप सब। देखिए कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये हैं, देख सकते हैं आप सब। अब इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। आप सब के भी प्लांट में अगर पड़े हों फ्रेंड्स, इस समय आप रोज़ाना चेक करते रहिए आप सब अपने प्लांट्स में, नहीं तो ये कब अटैक करके सारे प्लांट्स को चट कर जाएंगे आप सबको पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है ये, अभी और है फ्रेंड्स। इस सबको आप चाहे तो निकाल करके बाहर अपने गार्डन से बाहर फेंक सकते हैं, चाहे तो इसको मार सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं इन सबको मार रही हूँ, और मेरी छोटी बेटी भी इसको मार रही है। देखिए मैं कैसे इसको हिला हिला करके, आप ऐसे झटका देंगे तो सारे निकल जाएंगे फ्रेंड्स, अगर हिलाएंगे ऐसे तो आप अपने प्लांट्स को, अपने पॉट को टेढ़ा करके और इसको ऐसे प्लांट्स को हिलाते रहिए, झटका देते रहिए, तो सारे नीचे झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। और ये देखिए इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स। आप सब भी हो जाइए सावधान, नहीं तो आप सब भी अपने प्लांट्स से हाथ धो बैठेंगे फ्रेंड्स, इसलिए आप सब अपने प्लांट्स की केयर इस समय ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बारिश की वजह से ये इल्लियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं हमारे प्लांट्स में, और सारे प्लांट्स को खा रही हैं। ये देखिए छोटा सा छुटकू सा देखिए कैसे भाग रहा है, और ये देखिए बड़ा सा। आप सब जल्दी जल्दी अपने गार्डन में सब देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्लांट घने होते हैं तो इसमें पड़ जाते हैं तो दिखाई भी नहीं देता है, और कब ये अटैक कर जाएगा आप सबको पता भी नहीं चलेगा, जब देखेंगे तो आप सबके प्लांट ख़राब हो चुके होंगे। बारिश में आप सब गार्डन में उतना वक्त बिताते नहीं होंगे फ्रेंड्स, और इसी में ये अपना काम कर बैठते हैं। ये देखिए मैंने सब साफ़ कर दिया है फ्रेंड्स, अब इस पर मैं पानी से इसको स्प्रेयर करके, तेज़ धार से इसको स्प्रेयर करके धो दूँगी, और फिर उसके बाद सारे प्लांट्स में फंगिसाइड का स्प्रे करूँगी फ्रेंड्स। आप सब भी इस समय अपने प्लांट्स में पेस्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे करते रहिए, नहीं तो इस समय कैटरपिलर और इल्लियाँ जो भी हैं ये सब बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं मिलीबग, क्योंकि हमेशा पानी बारिश होती रहती है फ्रेंड्स, तो पानी नमी बनी रहती है, सूखता नहीं प्लांट्स में, तो सारे कीड़े पड़ जाते हैं। और तेज़ धार से इस पर स्प्रे करके मैं जो भी ये गंदा किए हैं फ्रेंड्स इन सबको धुल रही हूँ, और जो भी छोटे छोटे अगर होंगे भी तो वो सब निकल जाएंगे, तेज़ धार से गिर जाएंगे। पहले मैं इन सबको धो लूँगी फ्रेंड्स, आप सब भी अगर पड़े हों तो आप सब भी ऐसा धो करके फिर उसके बाद पेस्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे करिए। देखिए मैं इसको तेज़ धार से धो रही हूँ फ्रेंड्स। इस समय आप सब अपने प्लांट्स की ज़्यादा केयर करिए फ्रेंड्स, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो रहे हैं, कहीं बारिश ले डूब रहा है तो कहीं इल्लियाँ और कैटरपिलर ले डूब रहे हैं हमारे प्लांट्स को, देख सकते हैं। और क्योंकि ये घना होता है तो इसमें पड़ जाते हैं तो पता भी नहीं चलता। और देखिए मैंने इन सबको अच्छे से धो लिया है, और अब इस पर मैं
फंगिसाइड होममेड फंगिसाइड जो नीम ऑयल होता है उसी का स्प्रे करूँगी फ्रेंड्स। अगर आप सब के पास नीम ऑयल ना हो तो आप सब अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अगर पड़े हो ले या कैटरपिलर तो आप सब इस पर आप केमिकल युक्त जो होते हैं फंगिसाइड वो डाल सकते हैं, और नहीं तो अगर नीम ऑयल हो तो वह डाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए मैं 1 लीटर पानी में आधा ढक्कन नीम ऑयल ली हूँ और थोड़ी सी शैम्पू ली हूँ, और इसी से मैं फंगिसाइड बना करके इसको इस पर स्प्रे करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि नीम ऑयल से कड़वा होता है तो इन सबको अच्छा नहीं लगता इसका टेस्ट, तो ये सारे भाग जाएंगे इस पर से मर जाएंगे। और अगर आप चाहे तो केमिकल युक्त तो फंगिसाइड डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही होममेड बना करके डाल दिए, लेकिन इन सबको हटाना बहुत ज़रूरी अच्छा होता है फ्रेंड्स। अगर चाहे तो आप सबसे इजी तरीका है इस पर से अगर कम प्लांट्स हों आप सबके तो इसको हटा करके आप सब मार दीजिए, और अगर ज़्यादा पड़े हों तो अभी आप जो फंगिसाइड है स्प्रे करिए फ्रेंड, लेकिन स्प्रे करते रहिए फंगिसाइड का इस समय, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें अटैक कर रहे हैं ये सब कीट पतंगे हमारे प्लांट्स में। मैं इसको अच्छे से सेक करके फ्रेंड्स मिला करके जो डाले हैं आप सब उसको अच्छे से मिला करके तब मैं इसमें देखिए एयर भर करके तब इसको स्प्रे कर रही हूँ फ्रेंड्स। और अगर आप सब ऐसे स्प्रे कर देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ और ये सारा पानी पॉट में जा रहा है, ऐसा आप सब ना करें नहीं तो प्लांट्स ख़राब भी होने के चांसेज हैं। इसको ऐसे टेढ़ा कर लीजिए फिर उसके बाद अपने प्लांट्स में स्प्रे करिए, ताकि जो भी आप इसमें जो शैम्पू डाली हूँ मैं उससे हमारे प्लांट्स की रूट्स को डैमेज ना होने दे, कोई नुकसान ना होने पाए। अगर आप सबके पास जैसे कोई और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हो तो वो भी आप सब डाल सकते हैं, जिससे आप सब भगा सकते हैं सबको होममेड पेस्टिसाइड बना करके। और जो मैं नीम ऑयल और शैम्पू डाली हूँ अगर आप सबके पास डिशवाश हो तो वो भी डाल सकते हैं शैम्पू की जगह पर, लेकिन नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए इस समय फ्रेंड्स, क्योंकि इसका ये कड़वापन इन सबको अच्छा नहीं लगता इसलिए अटैक कम करेंगे। और ये देखिए मैं इन सबको ऐसे ऐसे पॉट गिरा करके तब स्प्रे कर रही हूँ घुमा घुमा करके, सब सारे प्लांट्स को घुमा घुमा करके कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए कितने ज़्यादा ये ख़राब हो गए हैं मेरे प्लांट, और कितने हेल्दी थे मेरे प्लांट्स लेकिन मैंने इन सबको ध्यान नहीं दिया फ्रेंड्स, और सारे मेरे प्लांट्स ख़राब हो गए हैं। आप सब भी अपने प्लांट्स की ज़्यादा से ज़्यादा इस समय केयर करिए ध्यान दीजिए, नहीं तो आप सबके भी प्लांट्स ऐसे हो जाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स इन सबको मैं स्प्रे करके ऐसे ही छोड़ दूंगी, क्योंकि इस समय बारिश हो रही है फ्रेंड्स, तो शाम के वक्त आप सब इस पर कोई स्प्रे ना करिए, और जब बारिश होने वाली हो तब भी आप सब स्प्रे ना करिए फंगिसाइड का, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। अगर शाम को करेंगे तो नमी बनी रहेगी तो और भी फंगस का अटैक होने का डर रहता है, इसलिए आप सब 4 बजे कर सकते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा धूप हो हल्का धूप तभी आप सब कर लीजिए, ताकि जो पानी हो आप सबके प्लांट्स में सूख जाए, नहीं तो नमी बनी रहेगी तो और इसमें फंगस का अटैक होगा। और ये देखिए मैं सारे प्लांट्स को ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स कर रही हूँ, और ये देखिए मैंने सारा फंगिसाइड करके इन सबको इकट्ठा रख दिया है फ्रेंड्स। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके, और फुल वॉच करिए फ्रेंड्स प्लीज़। ये देखिए मैंने सबको ऐसे स्प्रे करके रख दिया है। ओके बाय।